और क्वेश्चन इज ए फ्लैट कार ऑफ मास कैपिटल एम स्टार्ट मूविंग टू द राइट ड्यू टू कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ सेंड स्पिल्स ऑन द फ्लैट कार फ्रॉम ए स्टेशनरी होपर द वेलोसिटी ऑफ लोडिंग इज कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू आर के जी पर सेकेंड फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी एंड द एक्सीलरेशन ऑफ द फ्लैट कार इन द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे को बोला गया है एक फ्लैट कार है, ठीक है, जिसका मास एम है, ठीक है, और वो क्या कर रही है, राइट ड्यू टू दी कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल मूविंग कर रही है, वो भी एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ लग रहा है। ठीक है, तो मान लो ये फर्श हमारा, ठीक है, इसके ऊपर एक कार है, मान लो ये कार हमारी, ठीक है, इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा लग रहा है एफ, ठीक है, जिसके कारण ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, अब ये देखिए बोला गया एक सैंड स्पल ऑन दी कार फ्लैट कार फ्रॉम ए स्टेशनरी होपर। ठीक है, तो इसके ऊपर एक होपर लगा हुआ है, ठीक है, मान लो ये होपर है, ठीक है, होपर से क्या होगा, जो मिट्टी है सैंड है हमारी वो इसके ऊपर गिरेगी। ठीक है, ये जो मिट्टी है वो इस होपर से यहाँ पर इसके ऊपर गिर रही है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है, क्या बोला गया है हमारे को, ठीक है, अब देखिए तो हमारे को क्या फाइंड करना है, टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द फ्लैट कार हमारे को फाइंड करनी है। ठीक है, तो लेट द कार मूविंग इन द रेफरेंस फ्रेम टू विच द होपर इज फिक्स्ड। ठीक है, जो हमारा होपर है वो फिक्स है एंड एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी जो हमारा एक इंस्टेंट टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो लेट इट्स मास बी एम। ठीक है, जो हमारा इसका जो मास है, ठीक है, वो एम है एंड वेलोसिटी वी है। ठीक है, जो हमारी कार है उसका मास एम है और वेलोसिटी वी है। देन फ्रॉम द जनरल इक्वेशन ऑफ फॉर वेरिएबल मास सिस्टम, ठीक है, तो ये क्या है, हमारा वेरिएबल मास सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सैंड से इसका जो मास है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, वेरिएबल मास सिस्टम की बात करें तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, एम इंटू डी वी अपॉन डी टी, ठीक है, इक्वल टू एफ प्लस यू डी एम अपॉन डी टी। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होती है, ये हमारी इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन फॉर वेरिएबल मास सिस्टम। ठीक है, तो फॉर ओवर सिस्टम अगर हमारे सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, तो जो मास हमारे को वो एम गिवन है, वेलोसिटी डी वी अपॉन डी टी है, ठीक है, फोर्स हमारा एफ लग रहा है। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर देखिए जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो हमारी क्या हो जाएगी, माइनस का बी डी एम अपॉन डी टी। ठीक है, हमारे सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो हमारे पास क्या लग रही है, ये इसके अपोजिट साइड डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसने बोला है कि डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ फ्लैट कार इन द प्रोसेस ऑफ लोडिंग, ठीक है, द फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबली स्मॉल। ठीक है, तो हमारे सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो माइनस के वी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी। ठीक है, डी अपॉन डी टी इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो मास है वो हमारा कॉन्स्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। ठीक है, इक्वल टू ये जो हमारे पास है डी एम अपॉन डी टी, सॉरी डी एम अपॉन डी टी को मैं इधर लेके आ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, देखिए हमने क्या किया, अगर मैं इसको इधर लेके आ जाता हूँ, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर एम और वी का मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी इक्वल टू हमारे पास एफ बच जाता है इधर। ठीक है, और हम जानते हैं जो हमारा वी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एफ टी अपॉन एम ऑन इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन में एफ इंटू टी अपॉन एम, ये किसके बराबर होता है हमारा, ठीक है, ये हमारा होता है वी के बराबर। ठीक है, बट लेकिन ये जो हमारे पास एम है, ठीक है, वो हमारे को क्या गिवन है, एम प्लस आर इंटू टी गिवन है। ठीक है, जो हमारा स्मॉल एम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा गिवन हो जाएगा द मास मूविंग, ठीक है, इंटू आर इंटू टी, यानी कि वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल मास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सो हम लिख सकते हैं v इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैं v की वैल्यू फाइंड करूँ तो f, f की वैल्यू क्या है हमारी, d अपॉन डी टी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f इंटू टी अपॉन m की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ से मैं m कॉमन लूंगा,
एम कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 1 प्लस आर टी अपॉन कैपिटल एम, ठीक है। तो यहाँ से मेरी वेलोसिटी निकल गई। अब मेरे को निकालनी है एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन अगर मैं निकालना चाहूँ तो एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, ए इक्वल टू क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक्सीलरेशन फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डी वी अपॉन डी टी की अगर मैं वैल्यू फाइंड करूँ, ठीक है, ठीक है, यानी कि इसका मैं क्या करूंगा, इसका मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दूंगा, ठीक है। इसका मैं टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखिए का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारा एफ माइनस एफ आर टी अपॉन, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा एम प्लस आर टी, ठीक है, अपॉन, ठीक है, यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा एम प्लस आर टी, ठीक है। तो हमारी एक्सीलरेशन यहाँ से क्या आ जाएगी, यह आ जाएगी एफ इंटू एम, ठीक है, ये हमारा किसके इक्वल है, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा इक्वल है एफ इंटू एम अपोन, ठीक है, ये हमारा नीचे चला जाएगा एम प्लस आर टी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ से एक्सेलेशन हो जाएगी, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, एक्सेलेशन जो होगी यहाँ से मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा, ठीक है, तो ये टर्म बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा।